नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग जी लगातार जारी है। हर एक छोटी बड़ी खबर से आपको हम बाखबर कर रहे हैं। 8 बज चुके हैं और 8 बजे हम आपको वो पहले तमाम 5 बड़ी खबरें बताते हैं जो आज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ सुर्खियों में रहने वाली हैं। जी न्यूज सबसे पहले इन पर अपडेट आप तक पहुंचाएगा। ये जो खबरें हैं हमारी बड़ी कवरेज से जुड़ी हुई हैं। लद्दाख में सेना प्रमुख आज फॉरवर्ड पोस्ट का दौरा करेंगे। भारत चीन के बीच आज कोई बैठक नहीं होनी है, दूसरी बड़ी खबर। तीसरी ये है कि रूस में आज चीन के रक्षा मंत्री से मुलाकात नहीं करेंगे राजनाथ सिंह। चौथी बड़ी खबर ये है कि रूस के भारत को हथियार बेचने पर चीन ने एतराज जताया है। और पांचवी खबर ये है कि चीन ने कहा कि संवेदनशील वक्त में भारत को हथियार न बेचे रूस। तो भारत अब चीन को हर मोर्चे पर सबक सिखा रहा है, कैसे आप ये समझिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीन के रक्षा मंत्री से रूस में मुलाकात नहीं करेंगे। पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने चीन को भारत का दुश्मन नंबर 1 बताया था, तो क्या अब भारत चीन के खिलाफ जॉर्ज नीति पर ही चलेगा। और तीसरी तस्वीर ये कह रही है कि चीन का शटर डाउन होने जा रहा है। सीमा पर तनाव के बाद भारत सरकार ने चीन को आर्थिक मोर्चे पर घेरना शुरू कर दिया है। इसी के तहत बीते कुछ समय में सरकार ने निवेश से जुड़े कई नियम बदल दिए। और आपको ये भी बता दें कि जी न्यूज पर ये लगातार चौथा दिन है जब हम गलवान के बलवानों पर ग्लोबल कवरेज कर रहे हैं। सरहद पर चीन की हर एक हरकत पर हिंदुस्तान नजर रख रहा है। पूरी भारत चीन सीमा पर निगहबानी की जिम्मेदारी ITBP के जिम्मे है। और सूत्रों के मुताबिक अब चीन से लगी LAC के पास ITBP की 35 कंपनियों को तैनात करना शुरू कर दिया गया है। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे आज फॉरवर्ड चौकियों का दौरा करेंगे। सियाचिन में बर्फ से जमे पहाड़ों की तरह कारगिल युद्ध को जी न्यूज ने बहुत करीब से देखा है। वर्ष 1999 में जब जी न्यूज की टीम कारगिल युद्ध की रिपोर्टिंग कर रही थी, तब भी तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस के साथ सियाचिन जाकर जी न्यूज ने वहां से ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी। चीन की सबसे बड़ी तिलमिलाहट इसी बात को लेकर है कि भारत सड़कों का जाल क्यों बिछा रहा है। जॉर्ज फर्नांडिस 1998 से 2004 तक देश के रक्षा मंत्री थे और रक्षा मंत्री के तौर पर वो खुद करीब 30 बार सियाचिन के दौरे पर गए थे। देखिए, हम जो देख रहे हैं वो जब इस बात को नकार रहे हैं कि वो हमारे सीमाओं के भीतर हैं और तब भी न हटने का जब सिलसिला हम देख रहे हैं, तो उससे एक निष्कर्ष निकलता है कि वो चाहता है कि उनको खदेड़ कर ही हम उस जमीन को कब्जा कर लें। चाहे लद्दाख हो या सियाचिन, मौसम सैनिकों का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। सियाचिन में तैनात सैनिकों को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, ये जी न्यूज आपको दिखाता रहा है। सियाचिन जैसी जगह पर ये हेलीकॉप्टर भी सिर्फ 2 क्विंटल सामान लेकर जा सकता है। तो इस वक्त हम Mi-17 हेलीकॉप्टर में हैं, सियाचिन के रास्ते में हैं, बहुत ऊंचाई पर हैं। सियाचिन, जैसा मैं आपको बता रहा था, 20,000 फीट की ऊंचाई पर सियाचिन है। और अब धीरे धीरे यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हमें महसूस हो रही है, जिसकी वजह से हम ऑक्सीजन सिलेंडर्स अपने साथ हम लोग लेकर गए हैं। हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, हमारे पास ऑक्सीजन मास्क है और इस हेलीकॉप्टर में भी अब सांस लेने में तकलीफ होने लगी है। जी न्यूज के एडिटर सुधीर चौधरी देश के असली योद्धाओं की असली कहानी आप तक पहुंचाने के लिए इस दुर्गम इलाके में पहुंचे। यहां पहुंचकर पता लगा कि यहां मौजूद वीर सैनिक भी DNA के सबसे बड़े फैन हैं।
अच्छा लगता है आपको? बहुत तो यहाँ आप देख पाते हो? डीएनए देखते हैं हम सर। अच्छा, वेरी गुड, डेली का वही प्रोग्राम है। वेरी नाइस सर, वेरी गुड। क्या खींच रहे हैं? खींच लो, खींच लो, खींच लो यार, अब पता नहीं आपसे कब मुलाकात होगी। यानी 20,000 फीट की ऊंचाई पर भी डीएनए के दर्शक मौजूद हैं। योद्धा पैदा नहीं होते, योद्धा भारतीय सेना तैयार करती है। सेना के जवानों के लिए सियाचिन में सबसे बड़ी चुनौती एवलांच है, जिससे अपनी और अपने साथियों की जान बचाना बहुत बड़ी चुनौती है। एवलांच पैंथर्स जो स्पेशलाइज करते हैं एवलांच रेस्क्यू ऑपरेशन में, हमारे साथ में एक सिग्नल मैन भी है और एक नर्सिंग असिस्टेंट भी है और एक डॉग मास्टर और डॉग भी है। एवीडी की मदद से, यानी एक एवीडी है, ये एवीडी है, तो ये एवलांच विक्टिम डिटेक्टर है। यानी ये एवीडी विक्टिम को नहीं ढूंढते, ये एवीडी एवीडी को ढूंढते हैं, मगर ये हर कोई जवान इसको लगा के ही यानी यहाँ पे मूविंग करते हैं। अभी मैम ये ड्रोक, हम आप ड्रोक का दिखाएंगे कि ड्रोक कैसे सूंघ के यानी उसको बाहर निकालते हैं। फिलहाल हम वहाँ पे एक ग्लोव्स छुपा रहे हैं, फिर ड्रोक आप देखेंगे कि वो कैसे निकालते हैं उस ग्लोव्स को। जब इस वक्त रखे हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, देखिए जहाँ पर ग्लव्स रखे हैं मुझे वहीं पर इस वक्त डिग अप कर रहा है। बिल्कुल, जी न्यूज की कोशिश यही रहती है कि वो आपको ये दिखाए कि हमारे जवान किन मुश्किल हालातों में रहकर देश की सेवा करते हैं। एक दो तीन अप, एक दो तीन अप। तो मैं ट्राई करूंगी, तो मुझे किस बात का, मैं स्लाइड करना होगा इसके ऊपर, ऐसे लेटना है इसके ऊपर। जब दोनों एक सर्कल में आएंगे उसके बाद पुश करना पड़ेगा, दोनों हाथों से स्लाइड करना है। जी, चीन इन तस्वीरों को देख ले और समझ भी ले, क्योंकि हिंदुस्तान के जवान उस पर हमेशा भारी पड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।